वालेकुम सलाम। आज के समात के बारे में थोड़ा सा जी। समात आज जो कि परवेज़ इलाही वर्सेस डिप्टी स्पीकर, जिनकी रूलिंग के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही साहब ने अंडर आर्टिकल 184(3) पटिशन फ़ाइल की थी फ्राइडे नाइट को, जो सैटरडे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सुनी गई, उसका हाल और बाब तो आपको मालूम है। और फर्दर इन्होंने आज 1 बजे का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट मेन ब्रांच में इस्लामाबाद में। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत से लायर्स, लीडर्स तमाम पार्टीज़ के यहाँ पर मौजूद थे और हेयरिंग का आगाज़ 1 बजे हुआ। और प्रोसीडिंग के बारे में जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, प्रोसीडिंग सबसे पहले जो शुरू की है तो रिस्पोंडेंट्स के वकला पेश हुए, जिसमें उस्मान मंसूर साहब भी थे, सलाउद्दीन साहब भी थे और इरफान कादिर साहब भी थे। जबकि पटिशनर की तरफ से यानी कि परवेज़ इलाही की तरफ से मेन जो आर्गूमेंट्स किए वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने किए। और क्रक्स ये था कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने 2 पॉइंट ही रेज़ किए और मैं समझता हूँ कि बड़ा वो उन्होंने कंसाइस होके प्रिसाइसली तमाम चीज़ों को समअप कर दिया कि ये इतना बड़ा पॉइंट ऑफ लॉ ऐसा है नहीं कि जिसकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर अंडर आर्टिकल 63A(1)(b) इट्स वेरी क्लियर कि जिसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन होंगे असम्बली में तो पार्लिमानी पार्टी का लीडर जो है वो डिसाइड करेगा किसको वोट देना है। और आप सबको मालूम है कि एक दिन कबल यानी कि 21 जुलाई को पार्लिमानी पार्टी के जो हेड हैं, लीडर हैं साजिद भट्टी साहब, उन्होंने डिसाइड किया और डायरेक्शन दी तमाम मेंबर्स को कि कल जो इलेक्शन चीफ मिनिस्टर के होने जा रहे हैं उसमें आपने परवेज़ इलाही साहब को वोट देना है। और इन कंप्लाइंस ऑफ दैट आर्डर एंड डायरेक्शन तमाम ने, इंक्लूडिंग परवेज़ इलाही, वोट कास्ट किया परवेज़ इलाही को। और जबकि डिप्टी स्पीकर साहब ने क्या किया, अच्छा फर्दर ये था कि उसके बाद अगर डायरेक्शन की वायलेशन होती है, जो वाज़े तौर पे बी के साथ नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है कि अगर वायलेशन होती है तो पार्टी हेड कार्रवाई करेगा। इसका मतलब ये है कि पार्लिमानी लीडर की अगर डायरेक्शन नहीं करता तो वो कंप्लेंट करेगा पार्टी हेड को कि जनाब इन्होंने कंप्लेंट्स नहीं किए मेरे आर्डर, तो इनिशिएट करे कार्रवाई। तो वो प्रोसीडिंग करके डिसक्वालीफिकेशन के लिए प्रोसीडिंग के लिए स्पीकर को देगा और स्पीकर जो है इलेक्शन कमीशन में उनका केस भेजेगा। तो ये तो एक हो गया पहलू। दूसरा पहलू मैं बहसत कानूनदान ये तो हो गया पॉइंट ऑफ लॉ, जबकि पॉइंट ऑफ फैक्ट भी एक चीज़ है कि चलें फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ लॉ को हटा देते, वो कहते पार्टी हेड डिसाइड करेगा। तो क्या पार्टी हेड चौधरी शुजात ने तमाम जो 10 मेंबरों को डायरेक्शन दी थी? इसमें आंसर है नो। क्या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग बुलाई जहां पर डिसाइड किया गया जनाब किसको वोट देना है किसको देना है? आंसर है नो। क्या इन 4-5-6 दिनों में इलेक्शन से पहले यानी कि आखिरी भी एक दिन पहले जो लास्ट 21 में क्या चौधरी शुजात ने कोई वर्बल ऑर्डर दिए, कोई रिटर्न ऑर्डर दिए अपने मेंबर्स को? आंसर है नो। तमाम को आपने देखा इलेक्शन के दिन डिप्टी स्पीकर साहब लेट आए और डिप्टी स्पीकर ने तमाम इलेक्शन कंडक्ट कराया। और जब इलेक्शन कंडक्ट करा दिया और उसमें जब काउंटिंग हुई तो तहरीक-ए-इंसाफ के 176 और 10 काफ लीग के मिला के 186 हुए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी पार्टी पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों को मिला के 179 हुए। इस तरह जीत हो गई परवेज़ इलाही की। उन्होंने जनाब एक पर्ची, जादू की पर्ची निकाली और वहाँ पे बताया कि जनाब मुझे एक लेटर, आई जस्ट रिसीव अ लेटर फ्राम चौधरी शुजात, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे वोट परवेज़ इलाही को नहीं जाएंगे, हमज़ा को जाएंगे। अब ये सब कॉमन मैन बंदा सोचे कि क्या बाकी जो 10 मेंबर्स थे उनको कोई इल्हाम हो गया था? उनको तो डायरेक्शन ही नहीं हुए। तो इस हवाले से भी केस दोनों तरफ से ये हारते हैं, पॉइंट ऑफ लॉ पे भी पॉइंट ऑफ फैक्ट पे भी। अब प्रोसीडिंग्स यहाँ पर शुरू हुई, जिसमें मैं हाल-ए-बाब मुख्तसर बता देता हूँ कि सारी प्रोसीडिंग हुई। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इन्होंने 2 जजमेंट्स का हवाला भी दिया जो कि मैं रेफ़र कर देता हूँ, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 और PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 370। ये हरगिज़ जो इस रेफरेंस के हवाले से रेलेवेंट है ही नहीं। वो पार्टी हेड के हवाले से था कि पार्टी हेड का जो कंट्रीब्यूशन या उसकी हैसियत क्या होती है किसी पार्टी में, एंड नथिंग मोर देन दिस। जबकि जजेस साहब ने भी यही कहा, वो कन्विंस है कि मुझे सिर्फ आप ये समझा दें कि पार्टी आइन में तो लिखा हुआ पार्टी ये पार्लिमानी लीडर करेगा, आप कह रहे पार्टी हेड, तो इसमें आप क्लियर करके देखो है ऐसी चीज़। मुख्तसर इनके पास कोई नहीं था। और जिस तरह उन्होंने हफ्ते से जो प्रेशराइज शुरू किया है गेम, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल की जो खबर है 529 ट्विटर अकाउंट्स इन्होंने ओपन किए और उसमें जो उन्होंने तमाम डिफेम करने की कोशिश की, थ्रेटन करने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की जजेस को। और उस तमाम 529 ट्विटर अकाउंट में मरियम फॉलो कर रही हैं, जो कि बड़ी मैं समझता हूँ बुरी बात है, शॉकिंग है। और मैं समझता हूँ सुप्रीम को इट्स सेल्फ एक्शन लेके, सुमोटो एक्शन लेके इनको कंटेम्प्ट के लिए बुलाना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप, ये फासिज्म नहीं है कि अपने मकासद के लिए आप दबाव डालेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। इनकी हिस्ट्री मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हमला किया, जजों को कयूम केस में उन्होंने ख़रीदने की कोशिश की। तारड़ जो अता तारड़ का नाना वो कोयटा जाके ब्रीफ केस लेके कोई जजों ख़रीदते रहे, तो इनकी तारीख मौजूद है। तो इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पर भी बड़ी अफसोस की बात है कि आज़म नज़ीर तारड़ जो कि इस वक्त फेडरल लॉ मिनिस्टर है, उसने थ्रेट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बड़े पेशेंटली सो रहे हैं। जब हदूद क्रॉस करने लगे तो चीफ जस्टिस से रोका, चीफ जस्टिस साहब ने रोका कि आज़म तारड़ साहब आप शॉपिंग सेंटर में नहीं खड़े हैं, आप ये सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, आप क्रॉस कर रहे हैं लिमिट्स को, पॉइंट ऑफ लॉ पे बात करें, आप इस तरह की बात मत करें। मुख्तसर ये है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मैं बाहर आया हूँ तो ये सारे जो 3-4 इनके लॉयर्स थे ये टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, थर्सडे का दे दोगे। बाकी इस पर भी बात हुई कि फुल बेंच बनाने की, तो जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप मेरिट में डिस्कशन करें, मैं देखूंगा कि इसमें फुल बेंच बनाने की ज़रूरत है लार्जर बेंच की या नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब लोग, ये 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के, ये कन्विंस है कि इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी क्लियर एंड ओपन एंड शट केस, इसमें नहीं ज़रूरत है। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो तारीख में नज़र आता है कि फुल बेंच चंद केसों में बना है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्से थे जिसमें एक NRO का इशू भी था, इसके अलावा 1-2 और इशू जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जिसमें कॉम्प्लिकेटेड इशू पॉइंट ऑफ लॉ मौजूद था, उसके लिए बना था, अदरवाइज कभी भी फुल बेंच नहीं बना। तो मेरी राय ये है कि चीफ जस्टिस एट साहब या ये रुकनी बेंच, मेरा ख्याल है कि फुल बेंच की तरफ नहीं जाएंगे और आई थिंक आज ही ये कंक्लूड करके फैसला करने के मूड में हैं। तो बाकी मैं समझता हूँ कि इसका जो ये हमजा जो इस वक्त गैरानी चीफ मिनिस्टर है, वो यहाँ से इसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और तहरीक-ए- इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आ जाएगी। और इसके बाद इंशाल्लाह इन्होंने जो 3.5-4 साल में गैर आइनी, गैर कानूनी काम के, उनका भी हिसाब होना चाहिए और 25 मई का हिसाब ज़रूर होना चाहिए। पूरी कौम ने देखा, डेमोक्रेसी होते हुए डेमोक्रेसी नहीं थी, फासिज्म डिक्टेटरशिप से भी वर्स सिचुएशन थी कि जिस रात 24-25 की रात को पुलिस वालों ने एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर, इन सियासतदानों के कहने पर, राना सना के कहने पर, अता तारड़ के कहने पर, चादर और 4 दीवारी के तकद्दस को पामाल करते हुए दीवारें, घरों की दीवारें छलांग के औरतों को मोलेस्ट किया, हैरास किया, इन्होंने क्रिमिनल एक्ट किए। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं कहूँगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ हुकूमत को वो दिन मत भूलना, कारकुनों के साथ जो ज़्यादती हुई है आप ख़ुद देख लीजिए। 9 अप्रैल से ये बल्कि मार्च से मुख्तलिफ रैलीज़ होती रही हैं, पुरअमन जलसे होते रहे, रैलीज़ गैदरिंग हुई है, बच्चे भी निकले, बूढ़े भी निकले, ख़वातीन भी निकली, ओवरसीज़ भी निकले, पूरी दुनिया में रैलीज़ की, कहीं भी एक पत्ता भी नहीं हिला। ये डिटरमेंट थे वो 25 मई को हालात ख़राब करने के लिए। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ वर्कर के, उन्होंने फिर भी कानून को हाथ में नहीं लिया, जबकि उनके ख़िलाफ़ उनको डंडे भी पड़े, उन पर शेलिंग भी हुई, उन्हें मार भी पड़ी, उनको उठाया भी गया, उनको गायब भी किया गया। उसका हिसाब होना चाहिए। सिविल ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ब्यूरोक्रेट्स, DMG ग्रुप के ब्यूरोक्रेट्स और SHOs, पुलिस मुलाजमीन जो भी इन्वॉल्व है उनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी होने चाहिए। इंक्वायरी के बाद इनके ख़िलाफ़ FIRs, कंसर्न रेलिवेंट सेक्शन ऑफ लॉ के तहत इनके ख़िलाफ़ FIR भी होने चाहिए। थैंक यू सर।